साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? लेडी कांस्टेबल का हिला देने वाला भाषण। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। कांस्टेबल ने उड़ा दी देशद्रोहियों की धज्जियां। मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सीआरपीएफ की एक लेडी कांस्टेबल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वो देश के प्रति अपनी भावनाएं बेहद जोशीले अंदाज में व्यक्त कर रही है। इस वीडियो का पूरा देश दीवाना हो गया है। एक डिबेट के दौरान इस लेडी कांस्टेबल ने इतना जोशीला भाषण दिया कि सुनने वाले बस सुनते ही रह गए। माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। पिछले 48 घंटे में लाखों लोग इस वीडियो को सोशल साइट्स पर देख और शेयर कर चुके हैं। इस लेडी कांस्टेबल का नाम है खुशबू चौहान। उनका अंदाज, उनकी भावनाएं पूरे देश को हिला रही हैं। दरअसल 27 सितंबर को दिल्ली में आईटीबीपी ने डिबेट का आयोजन किया था। टॉपिक था मानवाधिकार का पालन करते हुए आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है। कांस्टेबल खुशबू की बारी आई तो उन्होंने टॉपिक के विरोध में बोलना शुरू किया, और जब वो बोलने लगी तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले सोच में पड़ गए। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। खुशबू चौहान का एक करीब 5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया में हर तरफ छाया हुआ है। हर कोई वाह वाह कर रहा है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक सीआरपीएफ के जवान ही आतंकी और नक्सलियों से सीधा मुकाबला करते हैं। इसीलिए खुशबू के दर्द को लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये देश जहां कमजोर पड़ जाता है, खुशबू इसी कमजोर कड़ी को मजबूत करने की मांग कर रही है। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। इस बेटी की आवाज सुनकर आप भी हिल जाएंगे। तो आपको कैसा लगा इस लेडी कांस्टेबल का जोशीला भाषण, कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए। सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शालों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।